हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। तो आज आपको अपने सामने दोनों ही मारुति की गाड़ियाँ दिख रही होंगी। एक तरफ आपको एस्प्रेसो दिख रही होगी, एक तरफ आपको वैगनार दिख रही होगी। एस्प्रेसो की बात कर लूँ तो भाई 2000 कौन सा मॉडल है भाई? ये 2021 मॉडल है। बाकी ओनर से मिलवा देता हूँ। ये सार्थक भाई है। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। तो भाई का भी एक चैनल है, किस नाम से भाई? सार्थक डावर के नाम से। हाँ, तो भाई का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टॉप मॉडल है भाई? ये टॉप मॉडल। टॉप मॉडल है। इसमें कितनी बीएचपी आती है? इसमें 67 बीएचपी है। और टॉर कितना है? 90 एमएम और 1000 सीसी। थ्री सिलेंडर इंजन, ठीक है। तो वैसे तो बताऊं मैं, ये पंच की राइवल है, क्विड की राइवल है, ये ऐसी गाड़ियों की है, लेकिन ये वैगनार के साथ करवाने का ये क्योंकि इनकी पावर सेम है। बाकी मैं एक बार आपको, ये हमारे फ्यूजन भाई हैं, ये हैं वैगनार के ओनर। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ। बिल्कुल ठीक है। आज एस्प्रेसो के साथ रेस करने आए हो, वो नई गाड़ी है, हालांकि पावर सेम है, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है आपको? भाई जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, मतलब देख, सेम ही कंपनी है दोनों, तो सेम इंजन सब कुछ सेम है, पर थोड़ा अपना अपन आता है तो लग रहा है। यही अगर चाचू से पूछूं तो चाचू आप बताओ। भाई मेरे को लग रहा है एस्प्रेसो जीतेगी। आपने अभी देखी है उसकी पावर, तो ये है भाई। एसी दोनों गाड़ियों के ऑफ रहेंगे, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। वीडियो में बने रहे, आपको मजा आएगा। देखो भाई, ये कर दिया एसी ऑफ, फैन भी नहीं चल रहा है। 3, 2, 1। आपकी नई गाड़ी होने की वजह से। अच्छा, नई पुरानी की भी है। टायर प्रोफाइल भी बड़ी है, वहाँ पे भी रोड ज्यादा पकड़ के चलेगी, तो ये भी फर्क है थोड़ा। वैसे उसकी शेप देखो ना, तो और थोड़ी डिब्बी जैसी, बिल्कुल डिब्बी। भाई एक तरफा जीत गई है। तो भाई मेरे को लग रहा है तेरे हाथ में ना फोन था इसने। नहीं चाचू, मैंने कल भी करी थी इसकी, तो मेरे को इसका हिसाब है ये कैसे चलती है। लेकिन वही जीतेगी, बहुत अच्छी भाग रही है ये तो एस्प्रेसो तो। एक राउंड और करते हैं। हाँ, एक वहीं पे दोबारा वहीं चलते हैं। जाती फर्स्ट में कहाँ था ये देखो, 42, ठीक है। अब देखना 82। अब तीसरा, अब देखना 110 या 15 तक जाएगी। तीसरे में ही स्ट्रगल कर रही है गाड़ी, क्यों फ्यूजन? देख कितनी धीरे चढ़ रही है यार, ये देख। वही तीसरे में वो खेल जाती है, तीसरे में खेल रही है भाई वो, और बढ़िया खेल रही है। बिल्कुल लंबी करें, और लंबी करें, बता यहाँ से शुरू करें। तू बता, तू कहेगा फ्यूजन आज जिता दे वैगनार को, बता। भाई ऐसा देख कुछ है नहीं, मतलब कोई हमारा ही थोड़ा होता है जिताना रहना, मेन तो ना पब्लिक को दिखाना है, पब्लिक को दिखाना कि अगर वैगनार और एस्प्रेसो में करते तो वैगनार कहां पे खेल रही है, मतलब कहां पर हार मान रही है, और वो कहां के। एसी ऑफ है हमारी का, लेकिन भाई हमारी का ऑन है इस बार। आप अपना ऑन रखो, ठीक है। इनिशियल में जाती है एक बार, कहीं है उसमें प्रो, ये मतलब सही खेल रही हो, टायर साइज और जो हर चीज का फर्क। हाँ, अगर लेंथ देखोगे ना नीचे से तो भी कम है भाई उसकी, से पकड़ ही नहीं पाएगी भाई। बाकी आपने एक चीज देखी ना, जिस हिसाब की इसकी बॉडी है ना, उसके हिसाब से इसकी टायर प्रोफाइल 15 तो देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए ये गाड़ी झूले मारती है भाई। यार आप तो एसी में भी जीत रहे हो यार। भाई वो मुझे समझ नहीं आता फिर इस गाड़ी पे इतने मीम क्यों बनते हैं जब इतनी बढ़िया है तो। देखा मीम पेज भरा हुआ है भाई, बहुत तगड़ा पिकअप है गाड़ी का, बहुत तगड़ा। पहले गियर तक ही साथ रख के दूसरे गियर में तो फेंक के मारती है गाड़ी को। सही बात है। तो देखा भाई आपने, अगर आप एस्प्रेसो की और वैगनार की ड्रैग करते हो ना, तो यार एस्प्रेसो कहीं हाथ नहीं देती वैगनार को, एस्प्रेसो जीत जाती है। तो एक बार ओनर से पूछता हूँ भाई, कैसा फील कर रहे हो? भाई काफी प्राउड फील कर रहे हैं, दूसरी बार रेस हरा रहे हैं। हाँ, तो पहली क्विड हरा चुके हो, अब वैगनार को हरा रहे हैं।
तो ये है भाई, अच्छी भाग रही है यार, मेरे को उम्मीद से बहुत अच्छी भाग रही है यार ये तो। फिर तो ये अच्छी गाड़ी है, पता नहीं इसको क्यों ट्रोल करते हैं लोग। तो ये बाकी फ्यूजन भाई आपका क्या ओपिनियन है? बिल्कुल सेटिस्फाई हो ना दोनों ओनर? दोनों ओनर सेटिस्फाई रहने चाहिए। तो ये था भाई, बस मेरा इतना कहना है अगर वैगनर बना रहे हो ना तो इसकी बॉडी के हिसाब से 15 इंच वो टायर ये नहीं बना पा रही हो सिस्टम। तीसरे गियर में बिल्कुल बहुत ज्यादा लेग है इसमें, तीसरे गियर मरसी जाती है ये। बट मुझे लगा था कि एसी के अंदर ही हार जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ना एसी में दूसरे गियर में काफी लैग मारुति की हर गाड़ी में। देखिए हमने जैसे जिस हिसाब का इसका ना, एक तो सबसे मेन व्हील का लगा लो, दूसरी जो इसकी जो ऊपर हाइट है वो भी थोड़ी ज्यादा हो रखी है। तो ये था भाई, दोनों ओनर सेटिस्फाई हैं रेस करके, किसी को भी तकलीफ नहीं है। बेसिकली सेटिस्फाई होना हारने वाले ओनर का ज्यादा जरूरी होता है, जो जीता है वो तो ज्यादा वो तो रहेगा ही सेटिस्फाई। भाई हार जीत तो चलती रहती है, चलती है। तो ये आप लोगों के लिए कि अगर इन दोनों ही कराते तो क्या रहता है? क्या रहता है, सही बात है। तो यही कुछ वीडियो थी भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई।